2005 में झारखंड में एनडीए के पास ज्यादा सीटें थी, लेकिन गवर्नर ने यूपीओ को शपथ के लिए बुला लिया था। 1982 में हरियाणा में भाजपा और देवीलाल के पास प्री पोल उनका एग्रीमेंट था, उसके बावजूद भी गवर्नर ने कांग्रेस की सरकार के लिए निमंत्रण कर दिया था। ये कांग्रेस के पाप, और आज देश को गुमराह करने की बातें कर रहे हैं। हम पर ऐसे भी आरोप लगाए जाते हैं कि हम राज्यों को परेशान करते हैं। आदरणीय सभापति जी, मैं लंबे अरसे तक राज्य का मुख्यमंत्री रह करके आया हूं। केरल में वामपंथी सरकार चुनी गई, जिसे पंडित नेहरू पसंद नहीं करते थे, कुछ ही कालखंड के अंदर चुनी हुई पहली सरकार को गर्व है। आज आप वहां खड़े हैं, आपके साथ क्या हुआ था जरा याद कीजिए। आदरणीय सभापति जी, जरा डीएमके के मित्रों को भी बताता हूं, तमिलनाडु में एमजीआर और करुणानिधि जैसे दिग्गजों की सरकारें, उन सरकारों को भी इन्हीं कांग्रेस वालों ने बर्खास्त कर दिया। एमजीआर की आत्मा देखती होगी आप कहां खड़े हो। यहां पर पीछे बैठे हैं इस सदन के वरिष्ठ सदस्य और जिनको मैं हमेशा एक आदरणीय नेता मानता हूं, श्रीमान शरद पवार जी। 1980 में शरद पवार जी का आयु 35-40 साल की थी, एक नौजवान मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की सेवा करने के लिए निकला था, उनकी सरकार को भी गिरा दिया गया, और आज वो वहां। हर क्षेत्रीय नेता को उन्होंने परेशान किया, और एनटीआर के साथ क्या किया। यहां कुछ लोग आज कपड़े बदले होंगे, नाम बदला होगा, ज्योतिषियों की सूचना के अनुसार नाम बदला होगा, लेकिन कभी वो भी उनके साथ थे। उस एनटीआर की सरकार को, और वो तबियत के लिए अमेरिका गए थे, अपने हेल्थ के लिए गए थे, आपने एनटीआर की सरकार को गिराने का प्रयास किया। ये कांग्रेस की राजनीति का स्तर था। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं, और मैं इस सदन की गंभीरता के साथ उनसे कहना चाहता हूं कि अपने रिस्पेक्टिव स्टेट को जाके समझाएं कि ये गलत रास्ते पर न चले जाए। हम हमारे पड़ोस के देशों का हाल देख रहे हैं कि वहां पर क्या हाल हुआ है, अनाप शनाप कर्ज लेकर के किस प्रकार के देशों को डुबो दिए गए। आज हमारे देश में भी तत्कालीन लाभ के लिए अगर भुगतान करेगा तो आने वाली पीढ़ी करेगी। हम तो कर्ज करो जीपीओ वाला खेल आने वाला देखेगा। ये कुछ राज्यों ने अपनाया है, वो उनका तो तबाह कर देंगे, देश को भी बर्बाद कर देंगे। झारखंड में एनडीए के पास ज्यादा सीटें थी, लेकिन गवर्नर ने यूपीओ को शपथ के लिए बुला लिया था। 1982 में हरियाणा में भाजपा और देवीलाल के पास प्री पोल उनका एग्रीमेंट था, उसके बावजूद भी गवर्नर ने कांग्रेस की सरकार के लिए निमंत्रण कर दिया था। ये कांग्रेस के पाप, और आज देश को गुमराह करने की बातें कर रहे हैं।